दोस्तों पिछले पार्ट में देखा था कि एक सैंडल को 80 से बांध कर नीचे छोड़ देता है और अपना डिब्बा उठा लेता है। अब वो एक चार्जर की पेन से अपनी माँ का मोबाइल भी खींच लेता है, उस पर अलार्म बदल देता है। वो उसे वापस अपनी माँ के हाथ में छोड़ देता है, बंद करके चला जाता है। वो उसमें घिसते घिसते नीचे आ जाता है। तब तक उसके दोस्त भी खेलने के लिए आ जाते हैं। जब अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है, इधर उसकी माँ का अलार्म भी बज जाता है। तब इस बंदे को पता चल जाता है, टाइम देखने लगता है। वो खेलने का सामान डिब्बे में पाकर वापस आने लगता है। उसकी माँ की नींद भी खुल जाती है और अलार्म बंद करने लगती है। माँ डिब्बा देखने लगती है, वो अपनी जगह भी पड़ा होता है। या तो बंदे ने रख दिया था। अब उसकी माँ उसे देखने जाती है, लेकिन वो तो सो रहा होता है। बट उसको अपने बेटे पर शक हो जाता है, खोल कर देखने लगती है, लेकिन वो तो पहले ही आ जाता है। उसकी माँ का ब्रश दिख जाता है, ऊपर से सैंडल ले लेती है। वो डिब्बा लेकर आ जाते हैं, लाइट बंद करके कहते हैं कि मैंने इस पर क्रीम लगाई थी। और अब उसकी माँ उसके साथ जो करते हैं, उसको देखने में तो मजा ही आ जाएगा।